हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। GMCH की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है, ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है, उसकी तरफ से आपको यहाँ जो वैकेंसी है ये देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की यहां पर आपको जो पोस्ट है वो दी गई है, यानी कि जो इसके अंदर जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है 25 सितंबर तक। आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। इसका जो मोड रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, वो आपका रहेगा ऑफलाइन मोड, यानी कि जो GMC की जो ऑफिशियल ऑफिस है वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखते रहिए। सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो पोस्ट दी गई है वो स्टाफ नर्स की आपको पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले देख लीजिए एप्लीकेशन द बायोडाटा, यानी कि बायोडाटा के साथ आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको सबमिट करना है। 25 सितंबर तक आप इस वैकेंसी को सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद में ये मान्य नहीं होगी। और कहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको यहाँ पर जमा कराना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो एप्लीकेंट के लिए तो www.jipmer.gov.in क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर जाके आप क्या कर सकते हैं अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, बाकी मैं इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। तो इसमें देख लीजिए नेम ऑफ द पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, दो पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी रहेगी आपकी 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है कि GNM जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो रजिस्टर है वो रजिस्टर होना चाहिए आपका वेस्ट बंगाल का, आपके पास क्या होना चाहिए, काउंसलिंग का रजिस्टर होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो रहेगी आपकी परसेंटेज के आधार पर, यानी कि आपका जो सिलेक्शन रहेगा नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो ये इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, देख लीजिएगा। इसमें छोटा सा ये फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आपको नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, अपना जो कंप्लीट जो पर्सनल डिटेल है वो लिखने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो लगा दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद किसके साथ मार्क और ईयर पासिंग के साथ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में फाइनली अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर करके आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं। तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे आपकी जो पोस्ट अप्लाइड, यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे वो रहेगा, आपके नेम ऑफ द एप्लीकेंट रहेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस और फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th और जो भी नर्सिंग के कोर्स के वो उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आप इनके साथ लगा के जमा करवा दें। तो यही एक अपडेट आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।